नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। भारतीय सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने मुंबई के वानखेड़े मैदान में खेले जा रहे भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में शानदार 150 रनों की पारी खेली है। मयंक अग्रवाल, जो पिछले कई समय से अपनी फॉर्म से जूझते दिखाई दे रहे थे, आज इस मैच से अपनी खोई फॉर्म वापस पा ली है। मयंक अग्रवाल ने आज अपनी इस पारी में 311 गेंदों का सामना करते हुए 150 रन बनाए और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। मयंक अग्रवाल ने पहली पारी में एक छोर से अकेले ही भारतीय बल्लेबाजी को संभाला, जिसमें उनको अक्षर पटेल का साथ मिला। मगर मयंक के आउट होते ही पूरी भारतीय टीम 325 रनों के भीतर ही ढेर हो गई। मयंक अग्रवाल ने न केवल इस पारी में 150 रन लगाकर भारतीय टीम का सम्मान बचाया है, बल्कि एक रिकॉर्ड में भारतीय टेस्ट सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की भी बराबरी कर ली है। बता दें कि मयंक अग्रवाल ने अपने करियर में 3 बार 150 या उससे ज्यादा का आंकड़ा छुआ है, जिसमें उन्होंने 2 बार दोहरा शतक भी जड़ा है। अब इसी 150 रनों की पारी के साथ मयंक अग्रवाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा 150 रन या उससे ज़्यादा की पारी खेलने के मामले में मयंक रोहित शर्मा के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं। रोहित शर्मा ने अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3 बार 150 या उससे ज़्यादा की पारी खेली है। वहीं अगर बात करें कि किस खिलाड़ी के नाम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा 150 रनों की पारियां हैं, तो वो है इंग्लैंड के कप्तान जो रूट। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के नाम सबसे ज़्यादा 4 बार 150 या उससे ज़्यादा रनों की पारियां हैं। आपको बता दें कि मयंक और रोहित शर्मा के अलावा दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया के मानस लबुशेन का नाम शामिल है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।